नमस्कार, मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे नगर निगम चुनाव को लेकर। नगर निगम चुनाव को लेकर जो एक बड़ा अपडेट सामने आया है, उसमें यह बताया गया है कि आरक्षण को लेकर जो है अपडेट अब साझा कर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि नगर निगम के तहत जो है मुख्य पार्षद और पार्षद को लेकर जो है किस स्थान पर जो है आरक्षण की क्या प्रणाली होनी है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो है इसको लेकर पूरा अपडेट साझा कर दिया गया है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 29 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में नगर निगम के आम निर्वाचन 2022 के लिए जो है पूरी तालिका जो है उन्होंने मुख्य पार्षद पद के लिए जो है अपडेट साझा कर दिया है। इसके तहत अगर हम देखेंगे, इसके अगर हम सीटों की स्थिति को देखें तो आरा में जो है अनारक्षित सीट है और महिला के लिए जो है ये सीट जो है निर्धारित कर दी गई है। वहीं अगर हम दूसरा देख लें तो कटिहार में भी जो है ये जनरल सीट है, यानी कि अनारक्षित है, और ये महिलाओं के लिए ये सीट जो है अनारक्षित की गई है। गया की अगर हम बात कर लें तो गया में जो है अनुसूचित जाति के तहत आएगी और ये जो है अन्य, यानी कि ये जो है इस सीट पे जो है अनुसूचित जाति के तहत ये जो है अन्य कैटेगरी में महिलाओं के लिए जो है ये रखा गया है। वहीं अगर हम छपरा की बात कर लें तो छपरा में जो है अनारक्षित और यहाँ पे भी जो है अन्य कैटेगरी, यानी कि इसमें भी जो है सभी लोग शामिल हो सकते हैं। बात कर लें दरभंगा की तो दरभंगा के तहत भी जो है अनारक्षित रखा गया है और यहाँ पे महिलाओं के लिए जो है ये सीट आरक्षित की गई है। पटना के तहत ये पहले से अनारक्षित सीट रही है और यहाँ पे भी जो है महिला को लेकर ही जो है आरक्षण की स्थितियाँ उत्पन्न हुई है। अगर हम पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में भी अनारक्षित सीट है और ये अन्य कैटेगरी के तहत आ रहा है। वहीं अगर हम बेगूसराय की बात कर लें तो बेगूसराय की जो सीट है वो भी जो है अनारक्षित के तहत है और ये भी महिला को लेकर यहाँ भी निर्धारित किया गया है। बेतिया में अनारक्षित सीट है और ये भी महिलाओं के लिए है। बिहार शरीफ की बात कर लें तो यहाँ भी ये जो है पिछड़ा वर्ग के लिए है और ये अन्य के लिए है। भागलपुर की बात कर लें तो ये जो है पिछड़ा वर्ग के तहत ये आएगा, BCW के कैटेगरी में है और ये महिलाओं के लिए निर्धारित की गई है। मुंगेर की बात करें तो ये भी अनारक्षित कैटेगरी का है और यहाँ भी जो है अन्य को लेकर जो है इसमें निर्धारण किया गया है। मुंगेर की अगर हम बात कर लें तो मुंगेर जो है जनरल कैटेगरी है, अनारक्षित सीट है यहाँ पे और ये अन्य के लिए है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है वो चुनाव मैदान में आ सकता है। मुजफ्फरपुर की अगर हम बात कर लें तो ये BC कैटेगरी का है, पिछड़ा वर्ग के तहत आ रहा है और यहाँ पे भी जो है अन्य को निर्धारित किया गया है। मधुबनी की अगर हम बात कर लें तो ये भी अनारक्षित कैटेगरी का है और यहाँ पे भी अन्य है, इसमें भी कोई भी चुनाव मैदान में आ सकते हैं। मोतिहारी की अगर हम बात करें ये भी अनारक्षित कैटेगरी का है और ये अन्य के तहत इसे भी रखा गया है, इसमें भी कोई भी चुनाव मैदान में आ सकता है। ये पूरा जो है नगर निगम के मेयर पद को लेकर जो है ये पूरा अपडेट साझा किया जा रहा है। ये समस्तीपुर का है और समस्तीपुर में जो है अनुसूचित जाति के तहत ये सीट निर्धारित की गई है और इसमें जो है महिलाओं के लिए ये सीट जो है आरक्षित की गई है। सहरसा की बात करें तो यहाँ पे भी जो है अनारक्षित है और अन्य है, इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे चुनाव मैदान में जो चुनाव का मापदंड फॉलो करता हो वो यहाँ से चुनाव मैदान में सीधे तौर पर आ सकता है। सासाराम की बात कर लें तो ये भी अनारक्षित कैटेगरी का है और यहाँ पे जो है महिला चुनाव मैदान में आ सकती है। उसके बाद सबसे आखिरी में जो है सीतामढ़ी अनारक्षित सीट है और यहाँ पे जो है अन्य कैटेगरी के तहत रखा गया है, यानी कि यहाँ पे भी जो है कोई भी व्यक्ति चुनाव मैदान में सीधे तौर पे आ सकता है। कुछ नियम कानून है, इसे भी अगर हम देख लें तो ज़्यादा सहूलियत होगी हम लोगों को। अनारक्षित महिला का तात्पर्य किसी भी कोटि की महिला से है, अर्थात किसी नगर पालिका का मुख्य पार्षद का पद यदि अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित है तो उस पद के लिए किसी भी कोटि की महिला जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर पिछड़ी जाति की महिला सहित निर्वाचित हो सकती है। यानी कि अगर वो सीट जो है अनारक्षित महिला है तो इसमें महिला की जो कैंडिडेट होगी वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर पिछड़ी जाति से भी जो है वो चुनाव मैदान में सीधे तौर पर आ सकती है। आरक्षित या फिर अन्य का जो मसला ऊपर में हमने जिक्र किया उसमें जो है उन स्थानों पर किसी भी कोटि की महिला या फिर पुरुष जो है वो सीधे तौर पे वहाँ पे अपनी भागीदारी जो है वो कर सकते हैं। तो एक तरह से देख लें कि नगर निगम को लेकर जो अपडेट साझा किया गया है वो ये मेयर पद का था, जिसमें कि पहले से अगर हम पटना की बात कर लें तो पटना नगर निगम के तहत जो है ये पहले से सीट जो है महिला के लिए आरक्षित थी और इस बार भी जो है इसे आरक्षित किया गया है। तो नगर निगम को लेकर जो है एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपडेट जारी किया है और इस अपडेट का लंबे समय से इंतजार चल रहा था कि किस सीट पे जो है आरक्षण को लेकर किसे जो है आरक्षित किया जाएगा, वो पूरा अपडेट अब सामने आ गया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।